हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज का यह वीडियो झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 12th का स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूँ तो मेरा सारा जो बात होगा वो कॉमर्स के ऊपर ही होगा, लेकिन आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब समय नहीं गंवाते और जल्दी से आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ये तो बता दिया था कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो मार्च में होगा। ये भी बता दिया था कि हर सब्जेक्ट्स में 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और हर सब्जेक्ट में 20-20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, यानी कि कॉलेज के तरफ से या आपके स्कूल के तरफ से 20-20 नंबर का आप लोगों को जो है वो आपको कॉलेज से मार्क्स मिलेगा। हर सब्जेक्ट में 40 नंबर का एमसीक्यूज, हर सब्जेक्ट में 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव, 40 × 80 और 20 नंबर का आपका हर सब्जेक्ट में कॉलेज के तरफ से जो है इंटरनल असेसमेंट या तो फिर प्रैक्टिकल के थ्रू मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये तो पता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझे बार बार कमेंट करके पूछते थे कि सर अभी 40 नंबर का जो सब्जेक्टिव होगा वो आखिरकार किस चैप्टर से आएगा, या 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होगा वो किस चैप्टर से आएगा। तो बच्चा लोग, पहला सवाल का जवाब सुन लो कि जैक बोर्ड ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि ये सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव आएगा या ये चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो आपको आपके 100% सिलेबस को पढ़ना है, सारे चैप्टर्स का आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ोगे और सारे चैप्टर्स का आप सब्जेक्टिव भी पढ़ोगे। खासकर कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मैं कह देता हूं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, बिजनेस मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट्स है उन सब्जेक्ट्स को चैप्टर बाय चैप्टर हर सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज भी पढ़िएगा और हर सब्जेक्ट के थ्योरी भी पढ़िएगा। क्लियर है? अब सवाल आता है कि सर आखिरकार सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अगर हर चैप्टर का पढ़ना है तो क्या मार्केट में कोई ऐसा गेस पेपर है जिसमें हम लोग बहुत ही आसानी से एग्जाम की तैयारी कर सके? तो हाँ, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार गेस पेपर के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। उस गेस पेपर को आपको खरीदना है और उसी गेस पेपर को आपको अच्छे से रीड करना है। उस गेस पेपर के अलावा आपको दूसरा कोई भी गेस पेपर लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो आओ, समय नहीं गंवाते हैं, आप लोग बहुत बेसब्री से इस वीडियो का वेट भी कर रहे थे। तो ये आप लोगों का गेस पेपर है, ये गेस पेपर मार्केट में अवेलेबल हो गया है। कल ही मुझे ये गेस पेपर पब्लिकेशन के द्वारा मिला था, लेकिन मैं कल आउट ऑफ टाउन बोकारो से बाहर था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो अब आप लोगों को इस गेस पेपर के बारे में बताते हैं। बेसिकली इस गेस पेपर का नाम है एग्जाम स्कोरर, एग्जाम स्कोरर। ये दोनों ही स्क्रिप्ट में, दोनों ही वर्जन पे आएंगे, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। तो जो स्टूडेंट, जिन लोगों का स्क्रिप्ट हिंदी है वो हिंदी में खरीदना, जिन स्टूडेंट का स्क्रिप्ट रोमन है वो रोमन में खरीदिएगा। बोकारो के और झारखंड के सभी बुक स्टॉल पे आपको इजीली तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे। नाम याद रखना, एग्जाम स्कोरर। ठीक है, अब चूंकि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग कॉमर्स यानी वाणिज्य वर्ग यानी कॉमर्स क्लास का आप लोग लोगे। क्लास 12th का नाम सुन लो, फिर से बोल रहे हैं, एग्जाम स्कोरर। अब बात करते हैं कि ये बुक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सुन लो, पहली बात, इस बुक में आपका हर सब्जेक्ट का सारा चैप्टर दिया है। कॉमर्स के स्टूडेंट अकाउंटेंसी ले लो, बिजनेस स्टडी ले लो, BMT ले लो, आपका इंग्लिश ले लो, आपका ETP ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, हिंदी ले लो, हिंदी इलेक्टिव ले लो या हिंदी कोर ले लो, इंग्लिश इलेक्टिव ले लो, इंग्लिश कोर ले लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस बार सबसे अच्छा जो मुझे एग्जाम स्कोरर में लगा, इस बार इसमें कंप्यूटर साइंस के भी सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। हाँ, सही सुन रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का भी सारा का सारा चैप्टर दिया हुआ है। टोटल 14 या 15 जो चैप्टर आपका कंप्यूटर साइंस का है वो सारा चैप्टर दिया है। ठीक है, हर सब्जेक्ट्स का सब चैप्टर दिया है, प्लस हर सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर, हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हैं, प्लस वन वर्ड क्वेश्चंस, प्लस वन मार्क्स क्वेश्चन, टू मार्क्स क्वेश्चन, थ्री मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, प्लस ये यहां तक तो ठीक है, प्लस आपको हर सब्जेक्ट, जैसे ही अकाउंटेंसी का एक सब्जेक्ट एंड होगा उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को 3-3 मॉडल पेपर का इसमें सेट दिया है। उन सेट को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में जो है इसी बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस तरीके से जैक बोर्ड का मॉडल पेपर आएगा, सेम उसी पैटर्न से इसमें हर सब्जेक्ट में 3-3 मॉडल पेपर का सेट दिया है, जिससे आप चैप्टर को तो अच्छे से पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, एमसीक्यू का तैयारी हो जाएगा, थ्योरी का तैयारी
तैयारी हो जाएगा, न्यूमेरिकल का तैयारी हो जाएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए भी आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर तीन तीन मॉडल पेपर का सेट दिया गया है। ठीक है, इस भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है वो अगर अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार तरीके से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग आज ही जाकर के जो है एग्जाम स्कोरर का इस बुक को जरूर खरीद लेना। क्योंकि देखो शर्मा गैस पेपर, विद्या गैस पेपर अगर मार्च 5 तारीख से एग्जाम होगा तो ये आप लोगों का फरवरी में आएगा, तो भाई उतना लंबा वेट करके क्या करोगे। आज दिसंबर 5 तारीख है, 5 दिसंबर है आज, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, 3 महीना आपके पास समय है। अगर आप इन 3 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करोगे और इस बुक्स को अच्छे से रीड करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि मिनिमम 80% स्कोर आप लोग करोगे, 100% 80% स्कोर करोगे। ठीक है, और साथ ही साथ इस गैस पेपर को चैप्टर बाय चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, जिससे आप लोगों का एमसीक्यूज प्लस थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स सारा का सारा चैप्टर जो है आप लोगों का इजी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस गैस पेपर को प्रमोट करने के पीछे मेरा कोई पर्सनल एजेंडा या पर्सनल मोटिव नहीं है और ना ही हमको इस पब्लिकेशन से कोई लेना देना है। चूंकि एज ए टीचर मेरा ये काम है कि मैं आप लोगों को बेस्ट गैस पेपर गाइड करूं जिसको पढ़ के आप एग्जाम में बहुत ही शानदार तरीके से नंबर ला सके। Then I will suggest you that please purchase exam scorer guess paper, बहुत शानदार बहुत ही अच्छा guess paper है। ठीक है, हालांकि इस बार ये थोड़ा सा मोटा है लेकिन पढ़ने वाले students को मोटा या पतला book से क्या मतलब है। ठीक है, अब इसके प्राइसिंग के ऊपर आते हैं। देखो इसका जो रियल प्राइस है वो आपका 290 या 295 या 290 ऐसा इसका एमआरपी है, लेकिन जब आप बुक स्टोर में जाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अराउंडिंग आपका 250 के आसपास जो है ये बुक आपका आ जाएगा। बेस्ट बुक है, लेना है, 80% से ज़्यादा का टारगेट है, 3 महीने में शानदार तरीके से एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, मार्क्स अच्छा लाना चाहते हैं, देन आई विल पर्सनल सजेस्ट यू दैट प्लीज परचेज एग्जाम स्कोरर बुक। ये आपको हर तरह से आपको चैप्टर समझने में मदद करेगा, आपको मॉडल पेपर समझने में मदद करेगा, बीबीआई क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको, और इसके अलावा दूसरा गैस पेपर खरीदने का जरूरत आपको नहीं है। हर सब्जेक्ट ए टू जेड कंप्यूटर साइंस, सुन रहे हो कंप्यूटर साइंस वाले, कंप्यूटर साइंस का भी हर चैप्टर का एमसीक्यूज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा का सारा चीज आपको जो है वो मिल जाएगा। मार्केट में 250 के आसपास में ये गैस पेपर आ जाएगा, परचेज कर लेना और मैं आप लोगों को इस गैस पेपर का एक एक चैप्टर जो है वो डिटेल्ड में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप लोगों को मन में कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है, कुछ भी कमेंट पूछना है, बेझिझक कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, इससे मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता हूं। मुझे लगता है कि मैं जो एफर्ट आप लोगों के लिए लगा रहा हूं शायद वो चीज़ आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है कमेंट करो ना, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, बेझिझक कमेंट करो, मैं पर्सनली एक एक कमेंट का जो है वो आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। एक बार और बोल दे रहे हैं, इसी गैस पेपर को आप लोगों को परचेज करना है, एग्जाम स्कोरर। ठीक है, आया समझ में? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एग्जाम का सभी लोग अच्छे से तैयारी करो और जल्द से जल्द इस गैस पेपर को खरीद लीजिएगा। अगर बोकारो के स्टूडेंट है, जो मेरा लोकल सिटी है बोकारो, अगर आप यहाँ के हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बोकारो के जो भी स्टूडेंट है वो स्टूडेंट फ्रेंड सेक्टर 4 से जाके बुक खरीदना, क्योंकि वहां आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।